गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट हमने स्टडी किया था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि खिलाफत मूवमेंट जैसे टर्की में जैसे ही खिलाफत मूवमेंट रुक गया, ओके, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जैसे ब्रिटिशर्स जो थे वो विनिंग साइड पे थे एंड वेरस टर्की जो थे वो दे वर ऑन द लूजिंग साइड, और ब्रिटिशर्स का जो रवैया था टर्की के पीपल्स के लिए बहुत ज़्यादा मीन्स ख़राब था। इस वजह से जो हमारे जो इंडियंस जो मुस्लिम जो पीपल कम्युनिटी के पीपल्स थे इन्होंने खिलाफत मूवमेंट इनिशिएट किया था जो थे अली ब्रदर्स विच वर मोहम्मद अली शौकत अली। बट जैसे ही टर्की में मूवमेंट जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता गया तो इंडिया में भी ये मूवमेंट धीरे धीरे फेड हो गया। फिर हमने पढ़ा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इनिशिएट हुआ, बट आफ्टर सम टाइम ब्रिटिशर्स ने ये करना चाहा कि कैसे भी करके इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सरप्रास कर दिया जाए यानी इसको दबा दिया जाए। तो उन्होंने क्या करा, जितने भी हमारे प्रोमिनेंट लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, और सिर्फ गांधी जी जो थे उन्हें अरेस्ट नहीं किया था, बाकी जितने भी हमारे प्रोमिनेंट लीडर्स थे उनको जेल में डाल दिया गया। ओके, नाउ व्हेन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सप्रेशन वर ऑन द क्लाइमैक्स, ए कांग्रेस कन्वेंशन वॉज हेल्ड इन अलाहाबाद इन दिसंबर 1921। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सेपरेशन मूवमेंट जब क्लाइमेक्स पे थे यानी खत्म होने वाले थे, और कहीं ना कहीं शायद ऐसा मानते हैं कुछ हिस्टोरियंस कि अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अगर थोड़े दिन और चलता तो मे बी हमें इंडिपेंडेंस तभी मिल जाती। तभी कन्वेंशन हुई, इंटरनेशनल कांग्रेस की कन्वेंशन हुई अलाहाबाद में दिसंबर 1921 में। द प्रेसिडेंट ऑफ द कन्वेंशन वॉज हकीम अजमल खान। उस समय कांग्रेस के उस कन्वेंशन के प्रेसिडेंट जो थे वो हकीम अजमल खान थे, और उन्होंने डिसाइड किया कि जब तक इनजस्टिस चलता रहेगा, मतलब जब तक हमारे साथ अन्याय होता रहेगा तब तक इस मूवमेंट को ये मूवमेंट चलता रहना चाहिए, और जब तक हमें सेल्फ रूल या हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाए तब तक हम इस मूवमेंट को चलाएंगे। बट इन फरवरी 1922 गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च ए मूवमेंट विच नॉट टू पे एनी टैक्स इन बरदोली डिस्ट्रिक्ट, बट ऑन 4th फरवरी इन ए प्लेस कॉल्ड चौरी चौरा इन उत्तर प्रदेश द फ्रेंजाइड पीपल बर्नड पुलिस स्टेशन। 22 men died in this incident. When this news reached Gandhiji, he took it as a God's premonition and decided to suspend the non-cooperation movement. अब फरवरी 1922 में गांधी जी ने इस मूवमेंट को और स्ट्रांग बनाने के लिए उन्होंने एक और उसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक और मूवमेंट लॉन्च किया जिसमें किसी भी टाइप का टैक्स पे नहीं करना है बरदोली डिस्ट्रिक्ट में। बट लेकिन ऑन 4th अप्रैल चौरी चौरा एक प्लेस थे वहां पर अ ग्रुप ऑफ पीपल्स ने पुलिस स्टेशन को जला दिया था, जिसमें 22 पुलिस पर्सनल जो थे उस इंसिडेंट में उनकी मौत हो गई थी, जिसके कारण गांधी जी ने उस इंसिडेंट के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया। ओके, ऑन 12th फरवरी व्हेन मीटिंग ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमिटी वाज कन्वीन्ड, इट वाज डिसाइडेड टू फोकस ऑन द इश्यूज लाइक पॉपुलराइजिंग द स्पिनिंग व्हील, हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। फिर इसके बाद 12th फरवरी को वापस से कांग्रेस की कन्वेंशन रखी गई, जहां पर इस बात पर ध्यान देना के लिए लोगों को कमेटी ने कन्विंस किया कि इन सारे इश्यूज पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, लाइक स्पिनिंग व्हील जो चरखा है उस पर, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे, और अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से एबॉलिश करना है। द इम्प्रिजन लीडर्स वर अनहैप्पी विद द न्यूज ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जैसे ही जो पीपल जो कि जेल में थे, जो लीडर्स जो कि जेल में बंद थे, जैसे ही वहां तक न्यूज पहुंची कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया, इसका मतलब कि उसको सस्पेंड कर दिया गया है, तो वो काफी नाखुश थे। इसके बाद, इससे पहले गांधी जी वॉज नॉट अरेस्टेड, बट इसके बाद आफ्टर कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी वॉज अरेस्टेड फॉर 6 years। उनको 6 साल के लिए उनको जेल की सजा सुना दी गई थी, हालांकि उनको 2 साल बाद छोड़ दिया गया था। Having released, he also focused on popularizing charkha, campaigning against untouchability and promotion of national education program. अब उनके जेल भी छूटने के बाद, जेल से छूट जाने के बाद, उन्होंने कुछ इश्यूज पे जो
बेसिक जो कि हमेशा से वो उन्हीं इश्यूज पे फोकस करना चाहते थे और वापस उन्होंने उसी इश्यूज पे फोकस करना चाहा। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा चरखा को पॉपुलराइज किया, उन्होंने कैंपेनिंग की अगेंस्ट अनटचेबिलिटी और ज्यादा से ज्यादा नेशनल एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया। दिस हैव बीन प्रोवाइडिंग द अचीवमेंट्स ऑफ अ मूवमेंट ए परमानेंसी। ए फैक्शन ऑफ कांग्रेस मेट अनदर पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू एंड चित्रनंदन दास विच वॉज कॉल्ड स्वराज पार्टी। अब ऐसे लीडर्स जो कि गांधी जी के फैसले से नाखुश थे या नाराज थे, उन्होंने अपनी खुद की नई पार्टी फॉर्म करी विच वॉज नोन एज स्वराज पार्टी, जिसके लीडर थे मोतीलाल नेहरू एंड चित्रनंदन दास। दे डिसाइडेड टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं मतलब डिफरेंट, जिससे लाइक आजकल हम बात करते जिला परिषद के चुनाव हो गए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस हो गए, इससे प्रोविंसेस में डिफरेंट इलेक्शंस होते थे जिसको कि उस समय विधान मंडल कहा जाता था या लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था। तो स्वराज पार्टी का कहना था कि हमें इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए इन प्लेसेस पर, बट नाउ दे डिसाइडेड टू ज्वाइन द गवर्नमेंट मशीनरी एंड ट्राई टू डिस्टर्ब इट। अब हालांकि इससे पहले वो किसी भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्शन ही कर रहे आ रहे थे, हमने सुना है कि वो बॉयकॉट कर रहे थे, बट सिंस अब आफ्टर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के सस्पेंशन के बाद उन्होंने सोचा क्यों ना हम इलेक्शन लड़े और जो गवर्नमेंट का जो भी गवर्नमेंट जो काम है उसको हम पूरी तरह से डिस्टर्ब करें, उनको डिस्टर्ब करें। नाउ उसी दौरान साइमन कमीशन को इंट्रोड्यूस किया गया। ओके नाउ क्या था ये, इसके बारे में जानते हैं। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, देयर वाज गोइंग टू बी रिकंसिडरेशन ऑन द इश्यूज ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज इन नेक्स्ट 10 इयर्स। इन नवंबर 1927 ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द एक्ट टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म इफ रिक्वायर्ड। अब जब 1990 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना तो उसमें कुछ लॉज बनाए, एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने प्रिपेयर किया था। तो उसके तब उस दौरान ये डिसाइड किया गया था कि अगले आने वाले 10 सालों में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा तो आफ्टर 10 ईयर्स वी विल चेंज दैट, वो उस समय जो भी डिमांड लगेगी। ओके अब इन नवंबर 1927 में गवर्नमेंट ने कमीशन अपॉइंट किया जिसमें कि उस एक्ट को रिव्यू किया गया कि इसमें हम क्या चेंज ला सकते, कौन कौन से रिफॉर्म्स और ला सकते। द कमीशन हैज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस एंड वॉट एवर द टर्म्स ऑफ रेफरेंस वेयर इंडिया हैड नो होप टू फाइंड स्वराज थ्रू इट। और उस कॉन्स्टिट्यूशन उस कमीशन में कोई भी इंडियन प्रेजेंट ना होने की वजह से कि इंडियंस काफी दुखी थे कि सिंस हमें हक ही नहीं है कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट यानी कुछ चेंजेस कर सके, ऐसा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था तो पॉसिबल ही नहीं है कि हमें हमें इंडिया को कभी होप हमें कभी आजादी मिल ही नहीं पाएगी, हमें कभी स्वराज मिल ही नहीं पाएगा सिंस हमें इस कमीशन तक में कोई भी इंडियन को इन्वॉल्व नहीं किया गया। इस वजह से साइमन कमीशन जैसे ही जो कमीशन में जो नंबर ऑफ ब्रिटिशर्स जो उसमें प्रेजेंट थे उस पूरे कमीशन को साइमन कमीशन नाम दिया गया। जैसे इंडिया में पहुंचा इन फरवरी 28 नेशन वाइड स्ट्राइक वाज अवेटिंग इट, इवन मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल असेंबली बॉयकॉटेड इट। देयर वर कमिटीज फॉर्म ऑल ओवर द कंट्री टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन By strikes and demonstration, the demonstration shouted the slogan "Simon, go back." The police lathi charged the silent and peaceful protesters. Lala Lajpat Rai read the protest in Punjab as a result of lathi charge. Lala Lajpat Rai was injured and succumbed to that. Finally, Simon Commission had to go back. अब जैसे ही Simon Commission India पहुंचा 1928 में पूरा नेशन कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा था कि किसको हमें प्रोटेस्ट करना है। इवन द सेंट्रल असेंबली के मेंबर्स ने भी इस कमीशन को बॉयकॉट किया और जगह जगह पर स्ट्राइक्स डेमोन्स्ट्रेशंस थे ऑल ओवर द कंट्री। जैसे और जो प्रोटेस्टर थे उनका नाम था साइमन गो बैक। ओके सबसे ज्यादा जो प्रोटेस्ट का जो असर दिखा था पंजाब में दिखा, जहां पर लाला लाजपत राय ने उस प्रोटेस्ट के हेड थे और उन्होंने ही उस दौरान जब साइमन कमीशन इंडिया आया तब वो उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे और तभी पुलिस ने लाठीचार्ज किया था जिसकी वजह से उन्हें चोट लगी थी एंड फाइन और लास्टली उनकी डेथ उस चोट के कारण हुई थी एंड फाइनली साइमन कमीशन को वापिस जाना पड़ा था। Now we'll study about the civil disobedience movement.
ओके, हम्बल डेफियंस ऑफ लॉ। ओके, अब सिविल डिसोबीडियंस का मोमेंट या फिर एक उसका मतलब ये होता है कि बहुत ही मतलब जो भी गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बनाती है जो भी नियम बनाती है उसको ओबे नहीं करना है। ओके, और बहुत ही हम्बल तरीके से ओबे नहीं करना है विदाउट एनी काइंड ऑफ वायलेंस। ओके, नॉन वायलेंट तरीके से जितने भी लॉज हैं उनको डिसोबे करना है। हाउ टू कंटिन्यू द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिकम अ डिस्प्यूटेड मैटर विद इन कांग्रेस। वन फ्रैक्शन ऑफ कांग्रेस वॉन्टेड टू टेक पार्ट इन द परिषद इलेक्शन वेयरएज द मेजोरिटी स्टिल वॉन्टेड टू बॉयकॉट इट। अब आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इस बात का मुद्दा छिड़ा हुआ था कि कैसे हम अपना मूवमेंट को आगे बढ़ा जाए। मेजोरिटी ऑफ कांग्रेस लीडर्स ये चाहते थे कि हमें परिषद जो इलेक्शन से उनको कॉन्टेस्ट करना चाहिए और अदर पीपल जो थे उनका यह मानना था कि नहीं हमें उसे बॉयकॉट करना चाहिए। इन दिस सिनेरियो मेंबर्स हु वांटेड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन मेड ए इंडिपेंडेंट पार्टी नेमली स्वराज पार्टी। अब ऐसे मेंबर्स जो ये चाहते थे कि हमें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है तो उन्होंने अपनी खुद की इंडिपेंडेंट पार्टी बना ली विच इज नोन जिसके मतलब जिस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। ए कांग्रेस कन्वेंशन स्टार्टेड इन लाहौर इन दिसंबर 1929। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कन्वेंशन। ही डिक्लेयर दैट देयर इज ओनली वन एम बिफोर अस एंड दैट इज ऑफ टोटल इंडिपेंडेंस। इन दिस कन्वेंशन कांग्रेस एक्सेप्टेड दैट प्रपोजल ऑफ टोटल इंडिपेंडेंस। ऑन द मिडनाइट ऑफ 31st ऑफ दिसंबर 1929 कांग्रेस प्रेसिडेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ह्यूज क्राउड होस्टेड द नेशनल फ्लैग ऑफ टोटल इंडिपेंडेंस ऑन द बैंक ऑफ रिवर रवि। कांग्रेस टुक द डिसीजन ऑफ ऑब्जर्विंग 26th जनवरी 1930 द टोटल इंडिपेंडेंस डे। दिस इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड विद ज़ील एंड एंथुसियाज्म ऑल ओवर द कंट्री। अब इसी दौरान जो लीडर्स जो कांग्रेस पार्टी में थे उन्होंने कन्वेंशन रखी गई लाहौर इन दिसंबर 1929। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू उस कन्वेंशन मीटिंग के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने उस कन्वेंशन को जो संबोधित किया तो उन्होंने ये कहा कि हम एक टोटल इंडिपेंडेंस चाहते हैं एंड उस कन्वेंशन में उन्होंने मिडनाइट 31st दिसंबर 1929 में प्रपोजल दिया कि जब तक लड़ेंगे जब तक हमें टोटल इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी। और उन्होंने ऑन 31st दिसंबर इन द प्रेजेंस ऑफ ह्यूज क्राउड एंड एक बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा की गई थी उस कन्वेंशन के दौरान ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर रावी और वहां पर उन्होंने ये डिसीजन लिया कि 26th ऑफ जनवरी 1930 को हम एज अ टोटल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। और वहां पे उसी दौरान वहां पर उन्होंने अपना नेशनल फ्लैग भी होस्ट किया था और उस दिन ऑन 26th ऑफ जनवरी 1930 को सभी ने एज अ टोटल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था ऑल ओवर द कंट्री। In December 1929, in the Lahore Convention, the Working Committee of Congress got the approval to start the Civil Disobedience Movement. The Viceroy, Lord Irwin, had refused to accept the proposal of total independence, but Gandhiji was still hopeful about an agreement. He therefore put forward 11 demands before Lord Irwin. Gandhiji also declared that if the demands were not met, the civil disobedience movement will be started. जब 1929 में लाहौर कन्वेंशन में इस बात की एक तरीके से सहमति मिल गई कि हम अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे तो जो वाइसराय थे लॉर्ड आयरविन थे उस समय उस दौरान उन्होंने जो हमारे टोटल इंडिपेंडेंस का जो प्रस्ताव था जो कि कांग्रेस लीडर्स ने भेजा था उसको रिफ्यूज कर दिया उस प्रपोजल को रिफ्यूज कर दिया। बट गांधी जी वॉज स्टिल होपफुल वो कभी अभी भी काफी उम्मीदें थी तो इस वजह से उन्होंने 11 डिमांड्स लिख के दी लॉर्ड आयरविन को। हालांकि उन डिमांड्स जो थी उनको लॉर्ड आयरविन ने वहां पे रिफ्यूज कर दिया और एज अ रिजल्ट गांधी जी ने सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर दिया। नाउ गांधी जी वांटेड द गवर्नमेंट शुड कंसीडर द रिडक्शन इन द रेट ऑफ द एक्सचेंज रिडक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू शुड पुट टोटल बैन ऑन ड्रिंकिंग लिक्विड शुड गिव लाइसेंस टू किप गन्स विथड्रॉल ऑफ टैक्स ऑन सॉल्ट रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स हु वर रिफ्रेन फ्रॉम वायलेंस की कंट्रोल ऑन सीक्रेट सर्विस डिपार्टमेंट 50% रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंसेस एंड रिड्यूस द इम्पोर्ट ऑफ क्लॉथ। सिंस वाइसराय रिजेक्टेड ऑल द डिमांड्स गांधी जी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। अब गांधी जी की डिमांड्स क्या थी? एक तो जो रिडक्शन था फॉरन एक्सचेंज में उसमें रिडक्शन करना, उसके साथ साथ लैंड रिवेन्यू में जो टैक्स पे करते थे उसमें रिडक्शन करना, सॉल्ट पे जो टैक्स लेते थे इंडियन से उसको कम करना है पूरी तरीके से हटा देना। देन जो जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय जिनको
बंदी बना लिया गया था, जेल में डाल दिया गया था, उन सारे प्रिजनर जिन्होंने वायलेंस नहीं किया था उनको छोड़ दिया जाए, जो सीक्रेट सर्विस है उनको कंट्रोल किया जाए, जो बेसिकली जासूस की सर्विस होती है जिसमें जासूस लगे रहते हैं, उस पर कंट्रोल किया जाए। इसके साथ साथ जो मिलिट्री एक्सपेंसेस थे उसमें 50% का रिडक्शन किया जाए, और जितना भी जो सामान जो टेक्सटाइल जो क्लोथ था जितना भी इंग्लैंड से यहाँ इंडिया इंपोर्ट हो रहा था उसको रोक लगा दिया जाए। सिंस वायसराय जो थे उनकी इनके सारे डिमांड्स को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, इस वजह से गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इनिशिएट किया। अब हम पढ़ेंगे दांडी मार्च के बारे में, ओके, क्योंकि कल हमने यहां तक पढ़ लिया था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, तो उसमें सबसे पहला कदम था दांडी मार्च, ओके। गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ ऑन 12th मार्च 1930। गांधी जी अलॉन्ग विथ हिज कलीग स्टार्टेड फ्रॉम दांडी एट गुजरात सीशोर विच इज अबाउट 200 माइल्स फ्रॉम साबरमती आश्रम। पीपल वेलकम्ड हिम ऑन हिज वे लेट एरिवेस द सीशोर टू मार्च एंड ही रीच दांडी ऑन 5th अप्रैल। ऑन 6th अप्रैल गांधी जी एंड हिज कलीग्स ब्रोक द सॉल्ट लॉ एंड स्टार्टेड द मूवमेंट, ओके। तो दांडी मार्च या फिर सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने का इंटेंशन ये था कि कहना कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करना चाहते थे। सॉल्ट लॉ में बेसिकली ब्रिटिशर्स द्वारा सॉल्ट पर टैक्सेस लगाए जाते थे, तो उसको ब्रेक करने के लिए गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए उन्होंने 12 मार्च 1930 को अपने कलीग्स के साथ दांडी के लिए अपने साबरमती आश्रम से उन्होंने स्टार्ट किया अपना मार्च, और ऑन 6th अप्रैल उसके गांधी जी एंड उनके कलीग्स ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, वहां पे सॉल्ट बनाया, और ड्यूरिंग दिस रूट मैनी पीपल्स ने उन्हें वेलकम किया, एंड यहां से शुरुआत होती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। एज सून एज गांधी जी हैज डिफाइड लॉ पीपल ऑल ओवर कंट्री स्टार्टेड डिफाइंग द ब्रिटिश रूल। एट मेनी प्लेसेस द सॉल्ट लॉ वाज ब्रोकन, देयर वाज अ डेफिएंस ऑफ जंगल लॉ इन मध्य प्रदेश, देयर वेर स्ट्राइक्स इन मुंबई, कोलकाता एंड मेनी अदर प्लेसेस। जैसे ही गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया तो वेरियस पार्ट में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो लॉज बनाए थे उनको ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। वैसे ही जैसे मध्य प्रदेश में जैसे कि एक लॉ था जंगल लॉ, उसको लोगों ने ब्रेक करना स्टार्ट किया, फिर मुंबई कोलकाता और अदर प्लेसेस में स्ट्राइक्स रखी, हड़तालें करना स्टार्ट कर दी। मेंबर ऑफ परिषद एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिनाउंस देयर जॉब्स, स्टूडेंट्स लेफ्ट देयर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, वुमेन सैट एंड धरना इन फ्रंट ऑफ लिक्विड शॉप्स। अब जो मेंबर्स थे परिषद के या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, स्टूडेंट्स ने जो गवर्नमेंट स्टेशन थे उनको वहां से उन्होंने एक तरीके से बॉयकॉट किया, और जो वुमेन्स थी वो धरने पे बैठ गई इन फ्रंट ऑफ द लिक्विड शॉप यानी कि अल्कोहल शॉप के सामने धरने पे बैठ गई वुमेन्स, एंड देयर वेयर धरनास इन फ्रंट ऑफ फॉरेन क्लॉथ शॉप इन थरासना गुजरात, देयर वॉज अ धरना इन देयर धरना देयर वह धरना इन फ्रंट ऑफ द फॉरेन क्लॉथ शॉप इन धरासना गुजरात, देयर वाज धरना इन विच 2500 वॉलंटियर्स ज्वाइन इन पेशावर अंडर द लीडरशिप ऑफ खान अब्दुल गफर। द वॉलंटियर्स पॉपुलरली नोन एज लाल कुर्ती पार्टिसिपेट एक्टिवली, ओके। अब वेरियस पार्ट्स में चाहे गुजरात में हो तो वहां पर जो फॉरेन क्लॉथ मिल्स थे उनके सामने धरना करना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे वॉलंटियर्स आके जुड़ने लग गए, ओके। उस धरने में जहां पर गुजरात में जो फॉरेन क्लॉथ के सामने धरासना में जहां पर उन्होंने धरना दिया था वहां पर कम से कम 2500 वॉलंटियर्स थे। इसके साथ साथ पेशावर में खान अब्दुल गफर खान के वॉलंटियर्स जो कि पॉपुलरली जाने जाते थे लाल कुर्ती के नाम से, वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। इन मई 1930 गांधी जी वॉज अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड इन यवड़ा जेल इन पुणे। अब मई 1930 में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और उनको जो यवड़ा जेल है पुणे की वहां पर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, ओके। एज अ कॉन्सिक्वेंस वेरी हाई इंटेंसिव प्रोटेस्ट वर कैरिड आउट इन दिल्ली कोलकाता मुंबई शोलापुर एक्सेट्रा। तैयब जी देयरफॉर आफ्टर सरोजिनी नायडू
were entrusted with the leadership following the Gandhi's arrest. The movement had reached its peak by June 1930. अब जैसे ही गांधी जी को अरेस्ट किया गया, so there were very बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने लग गए, मेनली इन दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, सोलापुर. इनके अलावा तैयब जी एंड सरोजनी नायडू, इन्होंने भी गांधी जी की लीडरशिप एक्सेप्ट करते हुए उनकी जो अरेस्ट के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया. के और जो ये मूवमेंट था यह पीक पर पहुंच गया था इन जून 1930. लाठी चार्ज, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन फॉर डिफेंस बिकेम वेरी कॉमन अकरेंस. लाठी चार्ज इसके अगेंस्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, लाठी चार्ज करना स्टार्ट कर दिया, फाइन करना स्टार्ट कर दिया, ओके जेल में डालना स्टार्ट कर दिया लोगों को. वियरिंग खादी एंड वियरिंग गांधी टोपी वॉज कंसिडर्ड एन ऑफेंस. और एक तरीके से एक ट्रेंड बना दिया गया था कि हमें खादी के क्लोथ पहनने, जो गांधी की जो टोपी होती है उस समय फेमस थी उसको पहनना है, ताकि एक तरीके से ब्रिटिशर्स को शो करना है कि वी आर डिसओबेइंग द लॉ. ओके कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. एंड एट दैट मोमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को इलीगल ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया. मीनवाइल देयर वाज अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन इन 1930. दिस बिकेम एविडेंट इन द कॉन्फ्रेंस दैट इफ देयर वाज टू बी अ सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम कोऑपरेशन ऑफ कांग्रेस वाज हाईली नीडेड. इन दिस सिनेरियो गवर्नमेंट रिलीजेस गांधी जी फ्रॉम जेल अनकंडीशनली ऑन 26 जनवरी 1931. अब उसी दौरान राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की गई ब्रिटिश इंग्लैंड में, जहां पर डिस्कस किया गया कि अगर हम कांग्रेस पार्टी से कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हमारे हाथ से जो इंडिया है वो चला जाएगा. इसी सिनेरियो में उन्होंने गांधी जी को रिलीज किया जेल से ऑन 26 जनवरी 1931. आफ्टर बीइंग रिलीज्ड गांधी जी हैड अ टॉक विद द वाइसराय लॉर्ड आयरविन ऑन 5 मार्च 1931 विच इज नोन एज गांधी एयरविन पैक्ट. और आफ्टर दैट जैसे इनको रिलीज किया गया, उन्होंने जो वाइसराय थे लॉर्ड एयरविन, गांधी जी और लॉर्ड एयरविन ने आपस में बात करी. इस पूरे इंसिडेंट को गांधी जी एयरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है. कब किया था, 5 मार्च 1931 को. ओके अब अकॉर्डिंग टू दैट, अब इनमें बातचीत हुई तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू विच प्रिजनर हु हैड नो चार्जेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट देम वुड बी रिलीज. अब उसमें समझौता किया गया जिसके अगेंस्ट कोई भी वायलेंस का चार्ज नहीं हो उनको रिलीज किया जाए. कोई भी प्रिजनर जिसको कि आपने अरेस्ट कर रखा है ड्यू टू द मूवमेंट, जो उन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, अगर उन्होंने वायलेंस नहीं किया है तो आपको उनको रिलीज करना पड़ेगा. द मेकिंग ऑफ सॉल्ट फॉर अ पर्सनल कंजप्शन एंड धरना इन फ्रंट ऑफ लिक्विड शॉप वॉज गिवन परमिशन. अब इसके साथ साथ जो धरना, जो लिक्विड शॉप के सामने धरना अगर आपको करना है तो वो एक तरीके से उसकी परमिशन दे दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट. इसके साथ साथ सॉल्ट जो अगर आप पर्सनल कंजप्शन के लिए अगर यूज करोगे तो उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा. सो ये सारी चीजें लॉर्ड एयरविन और गांधी जी जब आपस में मिले तो ये सारी चीजें उनके आपस में ये डील हुई. ओके विच इज नोन एज गांधी एयरविन पैक्ट. ओके यहाँ तक हम आज हमने ये डांडी मार्च यहाँ तक हमने कंप्लीट करा. नेक्स्ट लेक्चर में हम जो फास्ट अनटू डेथ पुणे पैक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे और जो लास्ट मूवमेंट जो था क्विट इंडिया मूवमेंट. ओके जिसके बाद हमें आजादी मिली थी, इन दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. ओके आज के लिए इतना ही, थैंक यू.